आईपीएल 2023 के बीच में राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए अचानक एक बुरी खबर सामने आई है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बुधवार को खेले गए आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 3 रन से रोमांचक जीत दर्ज की है, लेकिन जीत के जश्न के बीच इस टीम की खुशियों पर ग्रहण लग गया है। राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए आईपीएल 2023 के बीच में अचानक एक बुरी खबर सामने आई है, जिसने इस टीम के फैंस को भी मायूस करके रख दिया है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन की एक हरकत के बाद बीसीसीआई ने उन पर बड़ा एक्शन लिया है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच अंतिम गेंद पर 3 रन से जीता। स्लो ओवर रेट से जुड़ी आईपीएल की आचार संहिता के तहत राजस्थान रॉयल्स टीम का इस सीजन में यह पहला अपराध है और इसीलिए कप्तान संजू सैमसन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन तय समय पर अपनी टीम के 20 ओवर पूरे नहीं करवा पाए, जिस वजह से राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर स्लो ओवर रेट के चलते फाइन लगाया गया है। मैच के दौरान कप्तान संजू सैमसन गलती कर बैठे और वह उनकी ही जेब पर भारी पड़ गया। राजस्थान रॉयल्स अगर दूसरी बार ऐसी गलती करती है तो अन्य खिलाड़ियों को भी जुर्माना देना पड़ेगा। इंडियन प्रीमियर लीग की विज्ञप्ति के अनुसार राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बुधवार को खेले गए आईपीएल मैच में स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल में स्लो ओवर रेट के चलते जुर्माना भुगतने वाली राजस्थान रॉयल्स दूसरी टीम बनी है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान फॉफ डु प्लेसिस पर भी 12 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।